अस्सलाम दोस्तों, अॼोको पंहिंजो मौज़ू आहे साउथ एशिया। ऐं साउथ एशिया में जेका लैंड आहे, रिसोर्सिस आहिनि, पीपुल आहिनि, उन्हनि जे बारे में आहे। त साउथ एशिया जेका धरती आहे, ज़मीन आहे, उन जो वसील आहे ऐं माण्हू। पार्ट वन आहे साउथ एशिया जी सीरीज जो। ॿ लेक्चर थींदा अॼु, साउथ एशिया जी पहिरियों लेक्चर आहे। सो लेट्स स्टार्ट। जोग्राफिकल पोजिशन ऑफ साउथ एशिया, मतलब जोग्राफिकली साउथ एशिया धरती जे सरफेस ते कहिड़ी जॻह ते आधारियल आहे, किथे मौजूदु आहे, इन हवाले सां आहे। द रीजन साउथ एशिया यानी ॾखिण एशिया कंसिस्ट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, द मालदीव्स एंड श्रीलंका। टोपोग्राफिकली इट इज dominated by the Indian plate and defined largely by the Indian Ocean on the south and the Himalayas, Karakoram and Pamir mountains on the north, the Amun Darya which rises north of the Hindu Kush forms part of the northwestern border. On land clockwise, South Asia is bounded by Western Asia, Central Asia, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। यानी ही ॾखिण एशिया जेको आहे, एशिया जो बिल्कुलु साउदर्न हिसो आहे। ऐं उत्तर में पहाड़ियुनि जा इलाइक़ा आहिनि, हुन में जेको आहे हिमालय अची थो वञे, कराकोरम अची थो वञे, पामीर माउंटेन्स अची था वञनि, हिंदू कुश अची थो वञे। ऐं बिल्कुलु नॉर्थ में जेकॾहिं असां वञूं था नॉर्थ ईस्टर्न हिसे खां, त आमू दरिया आहे जेको सेंट्रल एशिया जो दरिया आहे, उहो ईअं सम्झो त बॉर्डर ठाहे थो अफ़गानिस्तान खां हिन रीजन जो। वरी जेकॾहिं बिल्कुलु ईस्टर्न साइड तां वञूं त ईस्टर्न साइड ते हिन रीजन खे म्यांमार लॻे थो। ऐं नॉर्थ में चाइना आहे ऐं तिब्बत जा एरियाज़ आहिनि। ऐं साउथ में इंडियन ओशन आहे। इन्हनि जे विच में जेको आहे हीअ समूरो साउथ एशिया अचे थो। हिन जे नॉर्थ खां नॉर्थ एशिया आहे, हुन में चाइना आहे ऐं ॿियो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अची था वञनि। वेस्टर्न साइड खां हिनखे ईरान अचे थो। ऐं ईस्टर्न साइड खां साउथ ईस्ट एशिया आहे, हुन में म्यांमार आहे, थाईलैंड आहे, ऐं ॿिया समूरा मुल्क अची था वञनि। ऐं साउथ में हिनखे इंडियन ओशन आहे। सो इहा आहे जोग्राफिकल पोज़ीशन साउथ एशिया जी। हाणे जेकॾहिं फीचर्स ते वञूं था त साउथ एशिया जा जेके फीचर्स आहिनि उन्हनि में सभिनि खां अहम जेको फीचर आहे उहो आहे हिन जा माउंटेन्स। माउंटेन्स जे हवाले सां तमामु घणो मशहूरु आहे ऐं दुनिया में ऊचे मां ऊचा जेके जबल आहिनि उन्हनि में घणो तणो तादादु साउथ एशिया में आहे। ऐं उहे कहिड़ियूं माउंटेन रेंजिस आहिनि उन्हनि जी हिते डेक ॾिनल आहे। सभु जेका लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आहे साउथ एशिया में, उहा आहे हिमालयास, जंहिंजी डेक तक़रीबन 2400 किलोमीटर आहे। ऐं ईस्ट खां वेस्ट तरफ़ इहा वञे थी। उन खां पोइ वेस्टर्न घाट माउंटेन्स आहे, इहा इंडिया में आहे। हिंदू कुश आहे, इहा तक़रीबन 3 मुल्कनि में फैलियल आहे। उन में पाकिस्तान आहे ऐं जेको आहे ताजिकिस्तान जा कुझु इलाइक़ा अची था वञनि, ॿियो अफ़गानिस्तान आहे। हिंदू कुश माउंटेन आहे जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो 800 किलोमीटर डिघो आहे। ऐं इहो 3 मुल्कनि में अची थो वञे, उनमें पाकिस्तान आहे, ताजिकिस्तान जा कुझु इलाइक़ा अचनि था ऐं अफ़गानिस्तान आहे। मकरान कोस्टल रेंज आहे, उहा 700 किलोमीटर आहे पंहिंजे डेग में। ऐं जेको कोस्टल बेल्ट आहे, इन जूं ॿ टे लेवल्स चयूं थियूं वञनि। हिकिड़ो बिल्कुलु साउदर्न आहे रेंज, सेंट्रल रेंज आहे, नॉर्दर्न रेंज आहे। टे रेंजिस आहिनि हिन जूं जेके पैरल हिक ॿिए सां गॾु हलनि थियूं। ॿियो आहे अरावली रेंज, इहा 650 किलोमीटर डिघी आहे, इहा इंडिया में आहे। कराकोरम रेंज आहे, इहा ईअं सम्झो तक़रीबन 3 मुल्कनि में फैलियल आहे। उनमें पाकिस्तान आहे ऐं इंडिया आहे ऐं चाइना आहे। पर घणो तणो इहा जेका रेंज आहे उहा कश्मीर ऐं लद्दाख बेल्ट में फैलियल आहे। उन खां पोइ अचे थी सुलेमान रेंज। ऐं इहा सुलेमान रेंज तक़रीबन ईअं सम्झो त इंडिया पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे बॉर्डर खां शुरू थिए थी, KPK खां हली करे बलोचिस्तान ऐं पंजाब विचां गुज़िरे थी। उन खां पोइ खीरथर रेंज आहे, या बलोचिस्तान खां स्टार्ट थिए थी ऐं वञी करे हेठि सिंध में
जड़कर समुद्र के लगे थे साउदर्न एरियाज में। उनका ईस्टर्न घाट है ये वो ईस्टर्न इंडिया जो हिस्सो है उनमें ईस्टर्न घाट सो इन डेग डिनी है केतरा किलोमीटर्स इन डेग है ये वो मशहूर रेंजेस इन अलावा भी काफ़ी सारे रेंजेस उनो जहर इतने कुछ नंढियन डेग में जिक्र कर मिसाल तौर के मशहूर भी रेंज है ईस्टर्न हिमालयाज के नाले से ये समझो चाइना का शुरू थे थी नेपाल भूटान का गुजरंदी हेट इंडिया म्यांमार तीन वहाँ वे थी बहुत इलाही सारे रेंज हैं जी साउथ एशिया में मौजूद हैं पर ये सभी मशहूर डेग के हिसाब से सभी का डिघियों माउंटेन रेंजेस है या वा पहाड़ी सिलसिला हाँ ये फिजिकल मेप है साउथ एशिया जो इनमें ती सोता तो जी माउंटेन रेंजेस डनल वे माउंटेन रेंजेस वे टे साउथ एशिया में क्रॉकरम हिमालय है क्यों हिंदू कुश इन रेंजेस में दुनिया जा ऊंचे में ऊंचा जबल मौजूद है जी 8000 मीटर से ऊंचा 7000 मीटर से ऊंचा इतने कुछ पहाड़न जहा नाला भी मिसाल तौर माउंट एवरेस्ट दिखार है या केटू दिखार है या नागा पर्वत है त्रिजमीर है ही जी मशहूर माउंटेन या ऊंचा जी जबल जबल चोटू उनको इतने तक जिक्र दिखार उनके अलावा इतने बिहार जी पहाड़ी सिलसिला वे भी दिखार ग्रीन जो बेल्ट है ये प्लेन्स चाहिए तो ज़रात वा इलाक ये जो वाइट शेड नजर अचे तो ये ग्लेशियर्स है ये तिब्बत जो पूरा बेल्ट है वे तादाद में ग्लेशियर्स उनके अलावा ये पहाड़ी सिलसिला जिनमें ये ग्लेशियर्स मौजूद है कराकरम हिमालय है या हिंदू कुश ये समूरा साउथ में ती सोता अरेबियन सी है बे ऑफ बंगाल है ये बी इंडियन ओशन हिस्सों है जोग्राफिकल पोजिशन के हिसाब से तक बुधाऊँ तो इनके मिसाल तौर वेस्टर्न एरिया है ईरान लगे तो वेस्टर्न एशिया शुरू थे इनके बिल्कुल नॉर्थ में साउथ एशिया के में सेंट्रल एशिया है तिब्बत चाइना जो हिस्सो है नॉर्थ एशिया शुरू थे तो ये जो हिस्सो है म्यांमार है या थाईलैंड जहा इलाक तो ये इनको एशिया जो साउथ ईस्ट है साउथ ईस्टर्न एशिया के चयो तो वे लेट्स मूव ऑन हाँ ये जाबलू चोटियो ऊंचे में ऊंचू जी साउथ एशिया में मौजूद है इन जाबलू चोटियन की पैंजी खासियत या खूबी है ये जाबलू चोटियो इन पसगिरदाई जहा इलाका ये समझो तो काफ़ी सारे दरियाओं जो सरचश्मो है काफ़ी सारा जो दरियाओं इन पहाड़न के इर्द गिर्द मौजूद हैं वड़ा ग्लेशियर्स मौजूद हैं जिथा इन पहाड़ी सिलसिलन का दरियाओं निकरन था दरियाओं की शुरुआत थे थी हाँ सभी का ऊंचो जो पहाड़ है या ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर ऊंची है या न सिर्फ साउथ एशिया की पर पूरी दुनिया की ऊंची में ऊंची चोटी है बे नंबर से जी मिसाल तौर केटू है तो इनकी ऊंचाई 8611 मीटर है या कराकरम रेंज में है उनका टी जगह चोटी है नेपाल इंडिया में अचे थी कंगचे जुंगा अड़ो टाइप जो इनको है नालो है बी लोस्टेज या लिहोस्टे चो तो वे या नेपाल में है इनकी ऊंचाई 8516 मीटर है उनका नागा पर्वत है नंदा देवी है त्रिजमीर है नोशाक या नाशाक या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से है यह चोटी है या माउंटेन रेंज में यह जगह अचे हिंदू कुश माउंटेन रेंज में अचे थी उनखा मछा पुछारे या नेपाल में है 6993 मीटर ऊंची है उनखा अमा दबालम या नेपाल में है इनकी ऊंचाई 6812 मीटर है हि तक जी भी चोटी हैं ये तक टिन माउंटेन रेंजेस में हिंदू कुश हिमालय कराकरम ये टे जी माउंटेन रेंजेस न सिर्फ साउथ एशिया एशिया बल्कि दुनिया जो
अड़ियं माउंटेन रेंजेस जिनमें दुनिया में सभी का ऊंचा जबल वे तादाद में ग्लेशियर्स इन पहाड़न में पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। ये पहाड़ी सिलसिला साउथ एशिया में उनसा गड चाइना म्यांमार जो कुछ इलाका सेंट्रल एशिया जो जो मुल्क है ताजिकिस्तान इन फैलियल है। हाँ वे में डिघे का डिघा जो रिवर्स ये समूरा इन में घना तड़ा जो रिवर्स तक मिलंदा जी साउथ एशिया के नॉर्दर्न एरियाज में निकलन था उनमें ब्रह्मपुत्रा रिवर हाँ यह अड़ी इंफॉर्मेशन है जहाँ तक किथे भी कम अची सी साउथ एशिया जो डिघे में डिघो जो रिवर है दरिया है वो कड़ो है वह ब्रह्मपुत्रा नदी है जो इंडिया बांग्लादेश में वह थी उनकी डेघ 3848 किलोमीटर है 3848 किलोमीटर। बे नंबर से सिंधु दरिया है या इंडस रिवर है जिनकी डेघ 3610 किलोमीटर है। उन्हें गंगा अचे थी रिवर गैंग्स चे तो वे के 2510 किलोमीटर है। गोदावरी नदी है 1465 किलोमीटर है। सतलज है 1400 किलोमीटर है। या यमुना या जमुना नदी जिनके चे तो वे इंडिया की नदी है 1367 किलोमीटर है। नर्मदा नदी है 1300 किलोमीटर है। कृष्णा रिवर है या इंडिया की है 1290 किलोमीटर। हरी रिवर या हारी रिवर जो है या अफगानिस्तान में वह थी या छोड़ वही करे थी ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर से इनकी 1150 किलोमीटर डेग है। बी हेलमंद रिवर या अफगानिस्तान की है इनकी डेग 1150 किलोमीटर है। हाँ इन रिवर्स में जो सभी का वे में वो ये खड़ी चाहिए जो वाटर डिस्चार्ज है घने पानी जो छोड़ है वो पहले नंबर से है गंगा में। गंगा वह नदी है जी जड़ समुंड में छोड़ करे थी तो बहुत काफ़ी सारे नदियों अची कर उनसा मिलन थी इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्रा जी रिवर है वह भी अची कर गंगा से मिले थी। उनके करे समुंड में छोड़ के वक्त इनमें पानी जो मकदार तमाम घड़ो थी तो वे। बे नंबर से जो इन में नदी है पानी के छोड़ के हिसाब से या पानी के मकदार के हिसाब से वह सिंधु नदी है। हाँ मुख्तलिफ़ इन मकदार पानी नॉर्मल जो सीजन है मॉनसून वो बरसात वो उन वक्त में इन समूर नदियों में पानी जो मकदार वधी तो वे। हाँ अगत बढ़ूँ था पा हाँ ये नदियों हैं इन मेप में ती सोता मुख्तलिफ़ इलाक में ये वहन थी। हाँ जो सिंधु नदी जो मिसाल वूँ तो ही इतना चाइना का निकरे थी सजे कश्मीर के लताड़े केपी के मां वही करे पंजाब मां गुजरी करे अची करे इंडस रिवर डेल्टा वट अरेबियन सी में छोड़ करे थी। या यमुना जो नदी है जैसे जमुना नदी चे तो वे इतना वह थी नॉर्दर्न इंडिया के एरियाज में अग हली कर गंगा से मिले थी या गैंग्स के चबो है इन से मिले अग्या हली करे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी से इतने मिली करे छोड़ करे थी। ब्रह्मपुत्रा नदी है जी पिण चाइना में निकरे थी सजो चाइना जो साउदर्न एरिया है तिब्बत उन्हें मां गुजरी करे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मां गुजरी करे बांग्लादेश में पहुंची ये गंगा से मिले थी इतने बे ऑफ बंगाल में छोड़ करे थी। या ही गोदावरी नदी है जेका तेलंगाना जो रियासत है उतना गुजरे थी ईस्टर्न इंडिया वट छोड़ करे थी। या भी कृष्णा नदी है या तेलंगाना वट छोड़ करे थी। या कावेरी नदी है या तमिलनाडु में छोड़ करे थी वेस्टर्न घाट का निकरे थी। ही तकरीबन जो नदियों साउदर्न इंडिया में ये वेस्टर्न घाट का निकरी करे ईस्टर्न घाट जो है इंडिया जो उत ईस्टर्न एरियाज में ही नदी नदियों छोड़ कन थी। हाँ ही जो बेल्ट है पानी के लिहाज का इंतहाई वेट एरिया चो तो वे मन बांग्लादेश अची तो वे ईस्टर्न इंडिया अची तो वे नेपाल भूटान बे इलाका म्यांमार जहा भी इलाका अची था वन ही पानी के लिहाज का इलाही वेट चया था वन बरसात तमाम घड़ी पवन थी बरसात के पवन के करे इनके नॉर्दर्न एरियाज वा ग्लेशियर्स मौजूद हैं इतना काफ़ी सारे नदियों निकरन थी
ही जो तुम एरिया दिसो था ही माउथ्स ऑफ गैंग चयो तो वे गंगा नदी जो डेल्टा चयो तो वे डेल्टा है ये दुनिया जो वे में वो डेल्टा है तिमर जहाँ इतने बेला पखेड़ के लिहाज का तमाम साउथ एशिया में वे में वो तिमर जो बेलो तक या मैंग्रोव जो वे में वो बेलो तक मालूम करो है तो वो इन डेल्टा से मौजूद है यानी गंगा नदी के डेल्टा से ये जो समूर एरिया है इंतहाई वेट है जहाँ एनुअली बरसात से पवे थी बांग्लादेश में ईस्टर्न इंडिया के एरियाज में तमाम घनी पवे थी उनको जो घने घने में घो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो यो है बे ऑफ बंगाल के विच में जो नॉर्थन एरियाज हैं बांग्लादेश का भूटान जा नेपाल जा इतने ऊंचा जबल मौजूद है इतना जड़ एवापोरेशन जो प्रोसेस थे तो बे ऑफ बंगाल में तो एतरो फासलो ना है ये 450-500 किलोमीटर जो फासलो है यो तय करे वे ककर या वहा एवापोरेशन जगह पानी थे थी वहा बाप जद हते पहुंचे थी तो तमाम तकड़ो प्रोसेस थे तो बरसात उनके करे इतने मूनसून जी मौसम होजे या ना होजे कड़ी मौसम होजे इन इलाकन में बरसात पवन का वरी गाल ना है छाकाण इतने जो एवापोरेशन जो प्रोसेस है उनका एवापोरेट थल जी जो पानी है जो चक्कर तमाम तेजी से इन पहाड़ी इलाकन तक पहुंचन था जिथे वे थदा थी करे बरसात की शिकल में इन मुख्तलिफ इलाकन में वसण शुरू कर बो जो वे वो सिलसिलो है साउथ एशिया में दरियाओं जो वो है इंडस रिवर सिस्टम हाँ इंडस रिवर सिस्टम इं है इंडस रिवर पान इतना वह थी जी मुझे बुधा तिब्बत चाइना में निकरे थी उन अलावा इन जो भरतू नदियों हैं उनमें सतलज आ रावी चनाब आ जेहलम आ सवात रिवर है काबुल है जोब रिवर है कंधार का जगह ही कुंदार जगह रिवर है उतना निकरे थी इंडस में अची कर इतना गोमल रिवर में या कोरम रिवर आ ये नंढी नंढी रिवर्स हैं ये अची कर इंडस में पवन थे या सिंधु दरिया में पवन थे यो सजो सजो इलाको है इनके इंडस बेसिन भी चयो तो वे इंडस रिवर सिस्टम पिण चयो तो वे ये समूर बी नंढी नदियों हैं उ भरतू नदियों हैं इंडस रिवर जो इंडस रिवर के ये पानी फराहम कन थी इंडस रिवर में या सिंधु दरिया में ये छोड़ कन थी वे में वो जो ये खड़ी चाहिए तो इन जो मिलाप थे तो पानी के मकदार के हिसाब से वो पंजनद वट ये मिलन थी छाकाण ये पंज ही नदियों जो चार नदी हुई इंडस ये पंजनद वट पान में मिलन थी इतने मिली कर पंजा साउदर्न पंजाब का थी हेठ सिंध में हेठ सिंधु नदी अरेबियन सी ते अची कर छोड़ कर तो इन मेप में तुम ऐसी इंडस बेसिन है जो इंडस रिवर बेसिन है या इंडस रिवर जो जो रिवर सिस्टम है यो कि है कड़े इलाक में ये दरिया गुजरी कर इंडस रिवर में छोड़ कन था इंडस रिवर या अलग अलग बदकिस्मत यह जहाँ डैम ठहण शुरू थे सिंधु दरिया जो जो जगह मौज है या जो उनमें पानी जो मकदार है या सिल्ट जो मकदार है वो घटी वो नो जमानो हो तो 300 मिलियन जो टन का वधिक सिल्ट इंडस रिवर हर साल दरिया पेंदे मां यानी कि इंडस रिवर में खड़ी करे अरेबियन सी में छोड़ कर दो 300 मिलियन जो सिल्ट हुई वह सालियानों जैसे छोड़ थी हुई तो वही मकदार में जो वो सिल्ट इंडस रिवर में गुजरी करे दरिया पान से गड खी कर सिल्ट जरा अरेबियन सी में वो छोड़ कंद सिंध जहा किनारा हर साल बदना रहा हुआ डेल्टा जो इलाको ये समझो तमाम घो सरखेज हिंसा डेल्टा की सूरत हाल तमाम खराब है छाण सी इंट्रूजन सी एनक्रोचमेंट के करे हर साल समुंड सिंध की जमीन खाई तो वे गिड़काई तो वे जो डेल्टा जो इलाको है तिमर जहा बेला तबाह पा थे तिमर के बेल के तबाह थे उत जो इकोसिस्टम है वो ये समझो तो वैनिश थे करीब है वो खत्म थे उत आबाद लखन की तादाद में जी मून उन माहौलियाती बिगाड़ मिठे पानी के न अचण के कर तमाम दुख हालत के मुंह डे रहा उत जीवत है उनमें मच्छू अची थी वन पखी अची था वन ये जी सी लाइफ है जी डेल्टा से डिपेंडेंट आ या मिठे खारे पानी के मिलाप से डिपेंडेंट आ
उन्हनि जी ब्रीडिंग मुतासिर थी थिए ऐं उन्हनि में जेको अॻु में जेका औज या मौज हुई या उन्हनि जो जेको तादादु हो या अॻु में जेके उनजा हैबिटेट्स हुया इंडस्ट्रियल डेल्टा में उहे तबाह थी रहिया आहिनि। हीअ वरी तव्हांखे मां ॾेखारियां थो त अफ़गानिस्तान जो जेको रिवर सिस्टम आहे, अफ़गानिस्तान जा घणा तणा दरिया अहिड़ा आहिनि जिन में पाणी जो मक़दारु घटि हूंदो आहे ऐं उहे मखसूस वक़्त में वहंदा आहिनि। ॿ टे दरिया अहिड़ा आहिनि जेके मुसलसल वहंदा रहंदा आहिनि, जीअं आमू दरिया आहे, हेलमन दरिया आहे या हारी दरिया आहे, इहे मुसलसल वहंदा रहंदा आहिनि, या काबुल रिवर आहे। उनखां अलावा ॿिया जेके बि नंढा हिते दरिया तव्हां ॾिसो था, इहे सम्झो बरसाती नालनि या बरसाती दरियाउनि वांगुरु सिर्फ़ु बरसातुनि जे टाइम में वहंदा आहिनि। टे दरिया अहिड़ा आहिनि, हारी, काबुल, हेलमन, जेके मुकमल तौर ते मौजूदु आहिनि अफ़गानिस्तान में। बाक़ी आमू दरिया ही बिल्कुलु बॉर्डर ते मौजूदु आहे, जेको ताजिकिस्तान खां ई निकिरे थो अफ़गानिस्तान जे बॉर्डर खां। ऐं ॿ जेके इन भरतू नदियूं आहिनि, पामीर ऐं वाखाण, इहे पामीर ते निकिरे थी पामीर रेंज मां, जेको ताजिकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे विच में आहे। ऐं वाखाण जेका रेंज आहे उते, या वाखाण जी जेका पटी आहे जेका ताजिकिस्तान पाकिस्तान खे अलॻि करे थी, हिकिड़ो दरिया उतां निकिरी करे हिते आमू दरिया में पवे थो। त हीअ तव्हां ॾिसी सघो था, हिन मां ॿ टे दरिया अहिड़ा आहिनि जेके ईरान ऐं अफ़गानिस्तान जे बॉर्डर वटि छोड़ कनि था। हुन में हीअ हारी जेको दरिया आहे उहो, ऐं फरा दरिया आहे, ऐं टियों हेलमन रिवर, इहे बिल्कुलु छोड़ कनि था ईरान ऐं अफ़गानिस्तान जे बॉर्डर वटि। काबुल रिवर जेको आहे उहो अची करे सिंधु दरिया में छोड़ करे थो, ऐं आमू दरिया आहे जेको वञी करे तुर्कमानिस्तान में छोड़ करे थो। ही वरी पंहिंजा श्रीलंका जा दरिया आहिनि। श्रीलंका हिकिड़ो बेट आहे, तमामु डिघा दरिया हिते न आहिनि, पर वरी मूं साउथ एशिया में हुजण जे करे मूं तव्हांखे ॿुधायो त हिते दरिया कहिड़ा आहिनि, इहो ॾेखारणु लाज़मी आहे। नंढा दरिया आहिनि, हिन जी टेक घणी न आहे, ऐं मक़दारु पाणी जो घटि हूंदो आहे। हाणे क्लाइमेट कहिड़ो आहे साउथ एशिया जो, इहो तव्हांखे हिते ॿुधायूं था। The climate of this vast region varies considerably from area to area, from tropical monsoon in the south to temperate in the north. The variety is influenced by not only altitude but also by factors such as proximity to the sea coast and the seasonal impact of monsoon. Southern parts of South Asia are mostly hot in summers and receive rain during monsoon periods. The northern belt of Indo-Gangetic plains also is hot in summer but cooler in winter. The mountainous north is colder and receives snowfall at higher altitudes of Himalayan ranges. As Himalayas block the northern North Asian bitter cold winds, the temperatures are considerably moderate in the plains down below. For the most part, the climate of the region is called the monsoon climate, which keeps the region humid during summer and dry during winter and favors the cultivation of jute, tea, rice, various vegetables in this region. And he jo region hai South Asia jo tamam gharo diverse hai, yani har tarah jo tahan ke the mausam milado, har tarah jo tahan ke हिते जेको आहे क्लाइमेट टाइप जेको आहे उहो तव्हांखे मिलंदो, हर तरह जो वेदर तव्हांखे। उनजो रीज़न इहो आहे त साउथ एशिया में हर तरह जी जेका सॉइल मौजूदु आहे, हर तरह जी जेका ऊचाई वारी ज़मीन मौजूदु आहे, ऐं हर क़िस्म जो जेको या हर टाइप जो हिते जेको जोग्राफिकल फीचर मौजूदु आहे। ऊचे खां ऊचा पहाड़ साउथ एशिया में आहिनि, ऐं बिल्कुलु ह्यूमिड या बिल्कुलु घिम वारा इलाइक़ा आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। उनजो रीज़न इहो आहे त ट्रॉपिकल एरियाज़ खे हीउ रीजन बिल्कुलु वेझो आहे, ऐं साउदर्न इंडिया, बांग्लादेश ऐं म्यांमार जा जेके इलाइक़ा आहिनि उहे बिल्कुलु ट्रॉपिकल एरियाज़ जहिड़ा आहिनि। छाकाणि मूनसून जो इफेक्ट एतिरो उते आहे जो तमामु वॾे मक़दार में उते बरसाति पए थी, ऐं उते लश टाइप ऐं बिल्कुलु ग्रीन, जेके एवरग्रीन ईअं खणी चइजे, त उते फॉरेस्ट मौजूदु आहिनि, ॿेला मौजूदु आहिनि जेके साल जे घणो तणो या समूरे साल में पवंदड़ जेके बरसातूं आहिनि उन्हनि जे करे उहे
बिल्कुलु ग्रीन रहनि था। बिल्कुलु साउदर्न इंडिया आहे, उनमें तमिलनाडु अची थो वञे, मलयालम अची थो वञे, कर्नाटका जा कुझु इलाइक़ा अची था वञनि। उते तव्हां ॾिसंदव त उन्हनि जो क्लाइमेट तव्हांखे इंडोनेशिया या म्यांमार या ईअं खणी चइजे थाईलैंड जे तरह जो लॻंदो। उन जो रीज़न इहो आहे त उहो ट्रॉपिकल एरिया आहे। ट्रॉपिकल जेको एरिया हूंदो आहे उते तमामु घणी बरसाति पवंदी आहे, ह्यूमिड हूंदो आहे उहो इलाइक़ो, ऐं उते तमामु जेका सॉइल हूंदी आहे उहा ज़रखेज़ हूंदी आहे, छाकाणि उते जेको वाटर साइकिल आहे उहो तेज़ी सां कमु कंदो आहे। बरसाति घणी पवंदी आहे, ह्यूमिडिटी घणी हूंदी आहे, एवापोरेशन दरियाउनि ऐं समुंडनि मां जल्दी थींदी आहे, ऐं उहो इलाइक़ो आम इलाइक़नि जी निस्बत घणो गरम रहे थो, ऐं घणी गर्मी हुजण जे करे ऐं ह्यूमिडिटी हुजण जे करे उन इलाइक़नि में बरसाति घणी पवे थी। ऐं ॿिया वरी कुझु अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जेके बिल्कुलु एरिड क्लाइमेट जा आहिनि, बिल्कुलु डेज़र्ट वारा एरियाज़ बि आहिनि। उनमें मिसाल तौर थर जो डेज़र्ट अची थो वञे, बलूचिस्तान जो माउंटेनियस डेज़र्ट मौजूदु आहे, या अफ़गानिस्तान जा काफ़ी सारा अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जेके बिल्कुलु एरिड या माउंटेनियस डेज़र्ट्स आहिनि। त अहिड़ा इलाइक़ा बि हिते मौजूदु आहिनि। नॉर्थ में मुंहिंजी तव्हांखे ॿुधायो त बिल्कुलु टेम्परेट क्लाइमेट आहे उते, ऐं तमामु घणी सर्दी पए थी उते। त हर तरह जो तव्हांखे हिते क्लाइमेट मिलंदो, हर तरह जो हिते तव्हांखे मौसम मिलंदो, ऐं हर तरह जे क्लाइमेट हुजण जे करे हिते जी जेका वेजिटेशन आहे उहा इलाही डाइवर्स आहे, ऐं हिते जेको रहंदड़ माण्हू आहे उहो हर तरह जे मौसम मां मज़ो वठी सघे थो, ऐं हर तरह जे मौसम मां उहो गुज़रे थो। हाणे हीउ हिकिड़ो मैप आहे, उनमें क्लाइमेट रीजन्स ॾेखारियल आहिनि। हीउ मिसाल तौरु जेको रेड एरियाज़ आहिनि हिते एरिड क्लाइमेट आहे, या ही जेके तव्हां मिसाल तौरु ब्लू ॾिसो था एरियाज़, हीअ ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आहे, ऐं ग्रीन जेके तव्हां हीअ कलर ॾिसी सघो था हिते टेम्परेट क्लाइमेट आहे। हाणे जहिड़ो क्लाइमेट हूंदो आहे तहिड़ी उते प्रोडक्शन थींदी आहे क्रॉप्स जी, ऐं साउथ एशिया समूरो एग्रीकल्चर इहो सम्झो रीजन आहे, ऐं वॾे मां वॾियूं जेके उते पोखूं थियनि थियूं या वॾे मां वॾियूं जेके क्रॉप्स थियनि थियूं उनमें राइस आहे, वीट आहे, कॉटन आहे, शुगर केन आहे, ओनियन आहे, टी आहे, टोबैको आहे, उनखां अलावा ॿियूं काफ़ी सारियूं आहिनि, मिसाल तौर जीअं टोमेटो आहे या पोटेटोस बटाटा आहिनि, ॿियूं काफ़ी सारियूं थियनि थियूं, या मिसाल तौर जेकॾहिं फ्रूट्स में अचूं था त मैंगोज़ अची था वञनि या डेट्स अची थियूं वञनि। पर वॾे मां वॾी मिक़दार में पैदा थींदड़ जेके क्रॉप्स आहिनि उहे ई सत आहिनि, हुनमें राइस, वीट, शुगर केन, ओनियन, टी, टोबैको आहे। हाणे हिते मूं उन्हनि जो मिक़दार ॾेखारियो आहे। मिसाल तौरु असां जेकॾहिं राइस खे खणूं था त राइस जो वॾे में वॾो प्रोड्यूसर जेको आहे उहो इंडिया आहे। 106 मिलियन टन्स, माना अराउंड 100, कॾहिं घटि वधि थींदी रहंदी आहे, उहो डिपेंड करे थो मौसम ते ऐं प्रोडक्शन लेवल ते, पर 100 मिलियन टन जी रेंज में रहे थो। ऐं जेकॾहिं वीट जी असां ॻाल्हि कयूं त 99 मिलियन टन जे मिक़दार सां इंडिया वीट में ॿिए नंबर ते आहे, या पाकिस्तान जो टॉप 10 में अचे थो। 25 मिलियन टन वीट पैदा करे थो पाकिस्तान। राइस जी ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान 7.5 मिलियन टन जेको आहे राइस पैदा करे थो। बांग्लादेश में राइस तमामु घणो थिए थो, 25 मिलियन टन आहे। श्रीलंका में 2.7 मिलियन टन आहे। नेपाल में अराउंड 5 मिलियन टन आहे। या जेकर मालदीव्स में ॾिसूं त मालदीव तमामु नंढो मुल्क आहे, नंढा नंढा ॿेट आहिनि, उते जी वॾे मां वॾी इहा क्रॉप आहे राइस, ऐं उते 32,000 टन अराउंड त या 40 ताईं कॾहिं वञे थी जेको राइस जी प्रोडक्शन आहे। उनखां पोइ जेकर असां कॉटन ते अचूं था, कॉटन जी प्रोडक्शन में साउथ एशिया में इंडिया पंहिंजे पखेड़ जे हिसाब सां ऐं मौजूदु वसीलनि जे हिसाब सां तमामु घणी कॉटन पैदा करे थो, ऐं 70 मिलियन टन जेको आहे सालियाने मुंहिंजी कॉटन जी प्रोडक्शन। पाकिस्तान कॉटन जी प्रोडक्शन में तमामु अॻियां आहे, ऐं 23 मिलियन टन जेको आहे कॉटन पैदा थिए थी। शुगर केन में इंडिया तमामु वॾी मिक़दार में शुगर केन पैदा करे थो, तमामु वॾी मिक़दार में 360 मिलियन टन जेको आहे शुगर, या पाण खे जेको कमंद चवंदा आहियूं या उर्दू में गन्ना चइबो आहे, ऐं पाकिस्तान तमामु वॾी मिक़दार में पैदा करे थो शुगर केन या कमंद, 61 मिलियन टन। ओनियन आहे जेको बसर आहे,
उहो इंडिया में तमामु वॾी मक़दार में पैदा थिए थो ऐं 24 मिलियन टन जेको आहे हुनजी एनुअल प्रोडक्शन ऐं पाकिस्तान में काफ़ी मक़दार में ओनियन पैदा थिए थो ऐं इहो घटि वधि थींदो रहे थो। कंहिं साल पाकिस्तान 2 या 3 मिलियन क्रॉस करी थो वञे, करण 1 मिलियन खां घटि हूंदो आहे, पर एवरेज 1.8 जेको आहे मिलियन टन आहे जेको उहो पैदा करे थो। या टी जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं, पाकिस्तान में तमामु घटि चंद कुझु इलाइक़नि जिते टी पैदा थिए थी, हुनजे करे इहा कंसिडरेबल न आहे, पर टी जी वॾे मां वॾी जेका प्रोडक्शन आहे उहा इंडिया में थिए थी। 1.5 मिलियन टन जेको आहे चांहि पैदा थिए थी हुते। ऐं ॿिए नंबर ते हिन में श्रीलंका अचे थो 0.35 मिलियन टन, यानी लॻभॻि जेको आहे 6.5 लख मिलियन टन जेको आहे उते पैदा थिए थी। टे नंबर ते बंग्लादेश आहे, 78,000 टन पैदा थिए थी। उनखां अलावा टोबैको आहे, या जेको पाण तमाक चवंदा आहियूं, इहो बंग्लादेश ऐं श्रीलंका में पैदा थींदो आहे, पर तमामु घटि मक़दार में। ऐं वॾे में वॾी जेका प्रोडक्शन आहे उहा 300 मिलियन के जी आहे, ऐं उहा आहे इंडिया में। ऐं जेकॾहिं एक्सपोर्ट्स जी ॻाल्हि कयूं त इंडिया तमामु अॻियां आहे, ऐं पाकिस्तान में जेको एग्रीकल्चर हूअं ई पाकिस्तान जी जेका ट्रेड आहे उहा थोरी पोइते पियल आहे, उनमें पोलिटिकल इशूज़ बि आहिनि या पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो मामिलो आहे। सो जेकॾहिं सुठे नमूने सां हिते असां वटि पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुजे त ट्रेड थी सघे थी। इंडिया जी अगरि ॻाल्हि कयूं त इंडिया जी हूअं जेका एक्सपोर्ट आहे उहा हूअं ई अॻियां आहे, सिर्फ़ु एग्रीकल्चर में हर साल अराउंड $40 बिलियन जी जेके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आहिनि उहे इंडिया एक्सपोर्ट करे। ऐं पाकिस्तान में हींअर सफ़ा घटि आहे पेंडेमिक जे करे ऐं ॿियनि सूरत हालनि जे करे, पर एवरेज पाकिस्तान जी जेका एग्रीकल्चर जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उहे एक्सपोर्ट थियनि थियूं, उन्हनि जो वॉल्यूम $2 बिलियन आहे। जेको एग्रीकल्चर आउटपुट काफ़ी बहितर आहे, ऐं उते 950 बिलियन जा जेके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आहिनि उनजी एक्सपोर्ट थिए थी। साउथ एशिया जा जेके ॿिया कॉन्टेक्स्ट आहिनि उन ते अचूं था। साउथ एशिया कवर्स 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज 11% या अराउंड 12% 11.7% ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट और 3% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया। तमामु वॾो रीजन आहे साउथ एशिया, ऐं जेको पूरी दुनिया आहे दुनिया जो सरफेस आहे उनजो 3.5% जेको आहे सिर्फ़ु साउथ एशिया आहे, यानी कि ओवरऑल साउथ एशिया पूरी धरती जो 3.5% आहे। ऐं सिर्फ़ु एशियन कॉन्टिनेंट जी असां ॻाल्हि कयूं त एशियन कॉन्टिनेंट जो लॻभॻि 12% या 11.71% जेको आहे एशियन कॉन्टिनेंट जो या हुनजी धरती जो ही साउथ एशिया जो हिसो थो। The population of South Asia is about 1.891 billion or about 1/4 of the world's population. Duniya jo chautho hisso population sirf South Asia mein rahe thi. Han tha nu andaz lagaye sako da asan je South Asia ji kedi badi abadi aa yani ke 25% duniya ji jeka abadi aa sirf South Asia je in 8 mulkan mein rahe. ऐं उन्हनि में वॾे में वॾो कंट्रीब्यूटर इंडिया आहे, जंहिंजी आबादी अॻियां हली करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त 1.3 बिलियन या 1.3 बिलियन समथिंग आहे। मेकिंग इट बोथ द मोस्ट पॉप्युलियस एंड द मोस्ट डेंसली पॉप्युलेटेड जोग्राफिकल रीजन इन द वर्ल्ड। इन पॉप्युलेशन हुजण जे करे न सिर्फ़ु साउथ एशिया वॾे मां वॾो रीजन आहे पॉपुलेशन जे हिसाब सां, पर तमामु गुतियल आहे आबादी जे हिसाब सां, तमामु घाटी आबादी आहे हिते। ओवरऑल इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 39.49% ऑफ एशियाज पॉपुलेशन, लॻभॻि 40%, यानी एशिया जी 40% पॉपुलेशन सिर्फ़ साउथ एशिया में रहे थी। ओवर 24% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जी मूं तव्हांखे ॿुधायो चोथो हिसो माना 25% जेका पॉपुलेशन आहे, 24% खां वधीक, यानी 25% दुनिया जी पॉपुलेशन सिर्फ़ हिन में रहे थी, साउथ एशिया में रहे थी। एंड इट होम टू अ वास्ट
area of people. In 2010, South Asia had the world's largest populations of Hindus, Muslims, Sikhs, Jains and Zoroastrians, yani Zoroastri jige chunda hai. South Asia alone accounts for 98.47% of Hindus. Duniya ja 98.47% jeko hai, ye samjho to lagbhag 99% jeke Hindu duniya ja sirf India mein rehnda hai. 90.5% of Sikhs and 31% of Muslims worldwide, as well as 35 million Christians, 25 million Buddhists. And it's happened that Hindu mat, yani Sanatan Dharam, Hindu mat hai, jo Sikh mat hai, Sikhism mein ke chanda hai na, ye aahe nahi in a region. Unje kare, vade ma vade, jaka abadi hai in a region si, wa India mein maujood hai. Par Musulmanan jeep, ye samjho 31% jaka population hai, wa South Asia mein rahe. Samuri duniya mein je ke Musalman hai, उन्हें जो 80% जगह रहे तो वो साउथ एशिया में रहे। The South Asian Association for Regional Cooperation (SARC) is an economic cooperation organization in the region, which was established in 1985 and includes all eight nations comprising South Asia. अने SARC मौजूद आहे organization South Asia मौजूद है, पर वह इतनी active ना है, उन जो active नौजवान जो वधे में वालों जो को reason आए, वो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो political conflict आए, वो आए, हिन्दी के बीच में जो political conflict आए, इन्हें political conflict जे करे, न सिर्फ SARC में ब्याह मुल्क सही नमूने से participate कौन था कन, SARC जो जो को ये खड़ी चाहिए था आउटपुट आहे हन जो जको नतीजो निकरण घुरजे एकडे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो उ जी मिसाल तौर यूरोपियन यूनियन आ तो यूरोपियन यूनियन इंतहाई एक्टिव आ उन जी करेंसी पेंजी आहे ट्रेड उनन वट फ्री आहे बेसा ए उन जा बॉर्डर्स एक में जला खुले लाइन पर असा वट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न होजन जे करे पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन जे करे ए बियन इश्यूज जे करे असा जी ई जका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ वा बिल्कुल इनएक्टिव बिल्कुल हुआ के कम जी ना जेकदा सिर्फ पाकिस्तान इंडिया जे विच में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी वने आई ही पंजा जे के इश्यूज हैं सॉर्ट आउट करे वठन मसला हल करे वठन त ही जो रीजन आ है तमाम घणो खुशहाल थी सके तो छकन तमाम घणो पोटेंशियल आ है तमाम घणा रिसोर्सेज आ है आबादी में जको आ तमाम वडो आ है आई पखेड़ काफी वडी थस उनजे करे जेकदा एशिया में जेकॾहिं साउथ एशिया जा ही मुल्क पाण में गॾिजी वञनि या पंहिंजा इशूज़ खे हल करे वठनि एशिया में ही रीजन लीड करे सघे थो पंहिंजे पोटेंशियल जे बुनियाद ते हाणे सिर्फ़ु जेकॾहिं पॉपुलेशन जी ॻाल्हि कजे जीअं तव्हांखे ॿुधायो त 1.89 जेको आहे हिन जी बिलियन पॉपुलेशन आहे ऐं उन में इंडिया जो जेको कंट्रीब्यूशन आहे उहो 74.45 आहे जड़ो 75% हिन रीजन जी आबादी इंडिया में रहे थी ॿिए नंबर ते आबादी पाकिस्तान जी आहे ऐं पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करे थो 11.8 माना लॻभॻि 12%. टे नंबर ते बांग्लादेश आहे जी आबादी जेको आहे 8.8% या लॻभॻि 9% कंट्रीब्यूट करे थी उन खां पोइ अफ़गानिस्तान अचे थो नेपाल आहे श्रीलंका आहे भूटान आहे ऐं मालदीव आहे ऐं वॾे में वॾियूं जेके ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं उन में हिते चार्ट मूं ॾिनो आहे लिस्ट हू त तादाद तमामु घणो आहे इंडिया में ॻाल्हाए जेके ॿोलियूं ॻाल्हायूं थियूं वञनि पर इन्हनि में घणे मां घणियूं जेके आबादी जे हिसाब सां जेके ॿोलियूं ॻाल्हायूं थियूं वञनि उन में हिंदी आहे उर्दू आहे बेंगोली आहे पश्तो आहे पंजाबी आहे तमिल आहे मराठी आहे तेलुगू आहे गुजराती आहे ऐं मलयालम आहे कन्नाडा आहे सिंधी आहे भोजपुरी आहे सिंधाला आहे नेपाली आहे भूटानी ॿोली आहे बलोची आहे सराइकी आहे असामी आहे मारवाड़ी धाटकी ब्राहवी हाणे इहे ॿोलियूं आहिनि जेके साउथ एशिया में ॻाल्हाई वञनि थियूं उन खां इन्हनि ॿोलियुनि खां अलावा ॿियूं काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं ॿोलियूं आहिनि जिन्हनि जो हिते ज़िक्र करे सघिजे थो पर ॻाल्हाए जेके माण्हू ॻाल्हाइनि था उन्हनि ॿोलियुनि खे उन्हनि जो तादादु तमामु घटि आहे उन जे करे तमामु डिघी लिस्ट थी वञे छाकाणि सवनि जी तादाद में अहिड़ियूं ॿोलियूं आहिनि
जेके साउथ एशिया में ॻाल्हाइनि थियूं ऐं कुझु ॿोलियूं वरी ॿियनि ॿोलियुनि जा लहजा पिण सो उनजे करे अच्छा असां हिकु दोस्त जो कमेंट आहे सॉरी चाइना इज़ इन ईस्ट एशिया चाइना पखेड़ी लिहाज़ खां इंतिहाई वॾो मुल्क आहे उहो नॉर्थ एशिया में पिणु कंसिडर थिए थो हाणे ॾिसो मंगोलिया बिल्कुलु नॉर्थ एशिया में उनजो बॉर्डर चाइना सां मिले थो ऐं चाइना जो बॉर्डर वञी करे नॉर्थ में जेको मंचूरिया जो रीजन आहे बिल्कुलु छाकाणि चाइना खे ॿिनि रीजन्स में कंसिडर कयो थो वञे मिसाल तौरु रशिया आहे त रशिया खे टिन चैन रीजन्स या टिन चैन इलाइक़नि में उनखे विरिहाए थो बिल्कुलु फार ईस्ट में बि अचे थो रशिया नॉर्थ एशिया में बि अचे थो ऐं यूरोप में बि उनखे कंसिडर कयो थो वञे ईस्टर्न यूरोप में बि जो वेस्टर्न रशिया जो इलाइक़ो आहे उहो ईस्टर्न यूरोप में कंसिडर कयो थो वञे साॻे नमूने सां चाइना जी कहाणी बि ईअं आहे चाइना खे नॉर्थ एशिया में बि कंसिडर कयो थो वञे फार ईस्ट में बि कंसिडर कयो थो वञे ॿिन्ही यानी इलाइक़नि में उनखे कंसिडर कयो थो वञे जेके दुनिया जा वॾा मुल्क हूंदा आहिनि उहे कंहिं हिकिड़े मखसूस रीजन में काउंट नथा करे सघनि उनजी पखेड़ एॾी वॾी हूंदी आहे साॻे नमूने सां जीअं रशिया आहे ऐं चाइना आहे इनजी पखेड़ एॾी वॾी आहे उन्हनि खे तव्हां कंहिं हिकिड़े मखसूस रीजन में काउंट नथा करे सघो सो चाइना खे न सिर्फ़ु नॉर्थ एशिया में काउंट कयो थो वञे पर फार ईस्ट में पिण जेको आहे काउंट कयो थो वञे साउथ ईस्ट में बिल्कुलु काउंट कोन थो कयो वञे छाकाणि साउथ ईस्ट में अची था वञनि उनमें बुर्मा अची थो वञे म्यांमार आहे कंबोडिया आहे या मलेशिया आहे इंडोनेशिया आहे इहे साउथ ईस्ट एशिया में काउंट थींदा आहिनि फार ईस्ट एशिया में उनमें चाइना जो ईस्टर्न हिसो आहे उहो फार ईस्ट में काउंट थींदो आहे जापान आहे कोरिया आहे ऐं बिल्कुलु ईस्टर्न जेको हिसो आहे जो रशिया जो उहो पिण फार ईस्ट में काउंट थींदो आहे हाणे वॾे मां वॾा जेके शहर आहिनि उन्हनि जो बि हिते ज़िक्र करणु लाज़मी आहे साउथ एशिया जो जेको वॾे मां वॾो शहर आहे उहो आहे दहली ऐं इहो इंडिया जो कैपिटल पिण आहे ऐं हिन जी आबादी लॻभॻि 2.5 करोड़ आहे ॿिए नंबर ते आबादी हिसाब सां वॾे में वॾो शहर कराची आहे सिंध जो कैपिटल आहे ऐं हिन जी आबादी बि 2 करोड़ खां वधीक आहे टे नंबर ते ढाका आहे चौथे ते मुंबई आहे पंजे ते कोलकता छहें ते लाहौर ऐं सते ते जेको आहे बेंगलोर आहे अठे ते चेन्नई आहे नाएं ते हैदराबाद ऐं ॾहे ते फैसलाबाद हाणे ही जेके शहर आहिनि वॾे में वॾा शहर आहिनि साउथ एशिया जा हाणे ही अॼोकी जेका प्रेज़ेंटेशन हुई पहिरियों हिसो हुई साउथ एशिया जे बारे में ऐं इनशाला सुभाणे जेके रिमेनिंग साउथ एशिया सां रिलेटेड जेके मौज़ू आहिनि उन्हनि ते पाण कचहरी कंदासीं ॻाल्हाईंदासीं सुभाणे जेको ॿिया एस्पेक्ट आहिनि साउथ एशिया जा उनमें रिसोर्सिस ॿिया जेके साउथ एशिया जा रिसोर्सिस आहिनि पोलिटिकल एस्पेक्ट जे हिसाब सां या डिफेंस जे कॉन्टेक्स में ॿिया जेके साउथ एशिया सां लाॻापियल मौज़ू आहिनि उन्हनि ते पाण इनशाला वरी सुभाणे ॻाल्हाईंदासीं सो सुभाणे जे लाइ अलावा ई सुभाणे ॿिए नए मौज़ू सां इन्ही साउथ एशिया सां लाॻापियल जेके ॿिया मौज़ू आहिनि या ॿिया एस्पेक्ट आहिनि उन्हनि ते पाण इनशाला सुभाणे ॻाल्हाईंदासीं अच्छा ॿियो हिकिड़ो मुसलसल कुझु दोस्तनि खां कमेंट अचे पियो त उर्दू में डिफाइन करे जैसे रानी राजपूत या ॿियो हिकिड़ो असांजो दोस्त आहे जेको जो मूं कमेंट ॾिसो ॾिठो मोहम्मद नासिर चए थो आप लोग उर्दू में नहीं बता सकते क्या बिल्कुल बता सकते हैं लेकिन उसका रीजन ये है सिंधी में बात करने का कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मोर देन 80% पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सिंधी में बात करते हैं दैट्स द रीजन वी स्पीक इन सिंधी और आप सिंध में रहते हो तो हमारी सजेशन आपको ये है कि आप बोल नहीं सकते कम से कम समझने की कोशिश करें सो जाहिर है जहाँ पे ज्यादा तादाद होगा जिन पार्टिसिपेंट्स का उनकी ही लैंग्वेज में बात करना मुनासिब है और ये जो अनाउंस की है सीट्स अनाउंस की है वो सिंध गवर्नमेंट ने की है और हमारे यहाँ
जो सबसे ज्यादा तादाद होगा अटेम्प्ट देने वालों का पीएससी और जीएसटी का, वो जाहिर है सिंधी स्पीकिंग है। हाँ, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है आप पॉइंट आउट करें कि उसमें आपको गाइडेंस की जरूरत है तो उस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ 10% लोगों के लिए या 15% लोगों के लिए पूरी जो प्रेजेंटेशन है हम उर्दू में उसको डिलीवर करें। इट्स नॉट पॉसिबल। सो मेहरबानी करें, जेके बस दोस्त हैं उर्दू गलाइंदड़, तां सिंध में रहो था, घट में घट तां के सिंधी समझण घुर्जे। मुझे या आजिज़ाणी गुजारिश है तो तां मेहरबानी करें सिंधी में समझण जी कोशिश कयो, ऐं अहिड़ी का ॾुखी असां सिंधी कोन था ॻाल्हायूं जेका तव्हां समुझी न सघो। ऐं हिन प्रेज़ेंटेशन में ॿियूं जेके प्रेज़ेंटेशन आहिनि उन्हनि में जेको मवाद प्रेज़ेंट कयल हूंदो आहे उहो सिंधी में लिखियलु न हूंदो आहे, जो तव्हांखे पढ़ण में मुश्किल थिए, इहो इंग्लिश में लिखियलु हूंदो आहे। ऐं समुझाइण जे वक़्तु चंद जुमिला असां सिंधी जा ॻाल्हायूं था, उन खां अलावा सिंधी ऐं इंग्लिश ॿई मिक्स हूंदियूं आहिनि प्रेज़ेंटेशन। सो तव्हांखे का परेशानी न हुजणु घुर्जे प्रेज़ेंटेशन खे ॾिसण जे वक़्तु या हिन क्लास खे अटेंड करण जे वक़्तु। सो तव्हांजी कमेंट जो जवाब ॾिनो। सो को स्पेसिफिक मौज़ू आहे जिते तव्हांखे सफ़ा परेशानी आहे, तव्हां पॉइंट आउट करे सघो था, उन ते पाण ॻाल्हाए सघो था। बाक़ी जेका प्रेज़ेंटेशन आहे उहा अॻु में सिंधी में थींदी रही आहे, ऐं इनशाला जेके रिमेनिंग प्रेज़ेंटेशन आहिनि उहे सिंधी में थींदी। सो सुभाणे जे लाइ अलाउ आहे।